जय हिंद साथियों, मैं आचार्य अमित कुमार। तो आज की वीडियो में के तीर्थधनुष लेकर के हाजिर हैं हम, आपको बताने वाले हैं। वो चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो तीर और धनुष है इसे बिल्कुल सीधे ही निशाना लगाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर टारगेट हम लोग का अगर कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर हो तो उस लक्ष्य को, उस टारगेट को हिट करने के लिए हमारा एरो इस तरह से घूमता भी है। तो चलिए आज वही दिखाने वाले हैं आपको कि किस तरह से अपने एरो को इस तरह से घुमा करके अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये मेरा टारगेट है, ठीक इसके एक दीवार है, लेकिन ये एरो इस तरह से आ करके इसको हिट करेगा। तो वीडियो के आखिरी में बताएंगे कि ये किस तरह से होता है। चलिए पहले इसको हिट करके आपको दिखाते हैं। आपने देखा कि एरो सिर्फ सीधा ही नहीं जाता है, अपने टारगेट को हिट करने के लिए इस तरफ से घूमता भी है। तो ये खास तरह का तीर बनाते हैं। आप देखते होंगे कि ये जो फ्लैच है, ये अक्सर तीर में आप देखते होंगे फ्लैच यहाँ रहता है। जब फ्लैच यहाँ पर रहेगा तो ये तीर बिल्कुल सीधे जाता है, लेकिन जब टारगेट हिट करना है तो इस तरह से आप घुमा सकते हैं उसको। उसके लिए इसको आप इस तरह से खिसका के आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपका निर्भर करता है, ये कितना दूरी पर आप करते हैं तो कितना दूर से टर्न करवाना है, कितना दूरी पे आपका जो टारगेट है। तो ये आगे करेंगे तो कम दूरी पर टर्न करेगा, ये बीच का हिस्सा से थोड़ा सा अगर ये पीछे रहेगा तो ये ज़्यादा दूरी पर टर्न करेगा। उसके बाद फिर इस पे निर्भर करता है इसका पॉइंट कितना वेट का है। और धनुष देखें, और आपका जो टारगेट है वो तो टारगेट पे हिट करने के लिए आप कितना इसको खींचते हैं, कितना दूर पे टर्न करवाने के लिए, वो भी निर्भर करता है। अगर नज़दीक में टर्न करवाना है तो थोड़ा सा ही खींचना होगा, और ज़्यादा दूर से अगर टर्न करवाना होगा तो फिर आप धनुष को ज़्यादा खींचना होगा। तो इस तरह से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से टर्न करवाने के लिए घास पकड़ने का तरीका होता है, ये वो है हमारा। तो इस तरह से पकड़ने के बाद आप देख रहे होंगे ये अंगूठा को यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है, ये उंगली इस तरह से रहेगा। जब एरो ऐसे लगेगा, इसको खास पकड़ने का तो एक तरीका है, ये इस तरह से रहेगा। एकदम छोटा सा गैप आपको देना है, एरो बस यहाँ से एरो से निकल जाए, अंगूठा यहाँ रहेगा इस तरीका से। इस तरह से चलाना होगा, तो इस तरह से चलाने में आपका राइट से लेफ्ट की तरफ एरो जाएगा। अभ्यास करने के बाद फिर आप इस पे महारत हासिल हो जाएगा आपको। तो ये देखा आपने, धनुष था, ये तीर था, ये कर्विंग एरो है। ये फ्लैच जब यहाँ पर लगेंगे तो बिल्कुल सीध में जाएगा, लेकिन अभी अगर टारगेट को कॉर्नर पे हिट करना है इस तरह से तो आप इसको आगे करके आप चलाएंगे तो आपका एरो जो है वैसे कर्व होगा। तो ट्रेडिशनल तीरंदाजी को बचाने का छोटा सा प्रयास है, सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। जय हिंद।